हाँ तो भाई आज हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका T20 के बारे में। अगर मैं बात करूं तो केप टाउन और सुपर जायंट्स के बीच में ये मैच होने वाला है। 16वां नंबर का ये T20 का मैच है, बहुत ही शानदार मैच ही जा रहा है ये जो साउथ अफ्रीका लीग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेयर के बारे में जानकारी लोगों को नहीं है, है ना। अब आप स्टेट्स देख रहे हैं तो सही जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूलैंड्स केप टाउन में ये मैच होने वाला, मतलब ये वेन्यू स्टेडियम का नाम है ये। 23 जनवरी 2024 9 बजे PM, मतलब 9 बजे रात में ये मैच होगा। बहुत अच्छा समय का मैच है, 9 बजे रात एकदम बिल्कुल रिलैक्स माइंड, है ना, सब कुछ एकदम टेंशन करके और टीम बनाएंगे। ओके चलिए फिर वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। एक वीडियो को लाइक करिएगा। आज आपको वीडियो में देखिए क्या क्या चीजें मिलने वाली है, ये सातों चीज को कवर करेंगे। अगर मैं मोटा मोटी आपको बता दूं तो आपको एक टीम मिल जाएगी, ठीक है, तीन टीम जो कि मैं बनाकर जीएल के देने वाला हूँ, प्लस में सीबीसी आपको मिल जाने वाला, अपना प्लेइंग इलेवन मिल जाने वाला। ये किसको लेके चलने चाहिए आज के मैच में, किसको ड्रॉप करने चाहिए, कौन सा प्लेयर आज मैच में चलेगा, क्योंकि देखिए बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो सबका एक वेन्यू एक हेड टू हेड अपना होता है, किसी के सामने स्ट्रगल करता है, किसी के सामने बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। तो सारा चीज हम लोग इस वीडियो में आजकल जानेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करें। आई होप कि ये सातों चीज आप समझ गए होंगे, एक लाइक तो बिल्कुल दही दिए होंगे, अब ज्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लस में ये देखिए टीम हमारी यहाँ जाती है ना, ये टेलीग्राम का है भाई, बिल्कुल फ्री आपके लिए मैं वर्क करता हूँ, ठीक है। ये क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी, आपको सर्च करके नहीं आना, इस मोड पे ही क्लिक करना, उसके बाद ये लिंक है ना टेलीग्राम का, इस पे आपको क्लिक कर लेना और ये ज्वाइन का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना। यहाँ पर स्पेशल स्पेशल खाती जीएल टीम दी जाती है, एसएल से थोड़ा संभावना कम रहता है कभी कभार जब एकदम कंफर्म होता है, मगर स्पेशल जीएल की खाती थी जो कि हर जगह कहीं भी आपको यूट्यूब जगत में नहीं मिलने वाला है, ये तो जान लीजिए। टेलीग्राम पे भी कोई सब एसएल देते हैं, एसएल स्पेशल का होता है, अरे खाती स्पेशल जीएल टीम, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हमारा टेलीग्राम पे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया हूँ, जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए पिच रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, ये है पिच रिपोर्ट, ठीक है। केप टाउन की अगर बात करें 140 से 160 यहाँ का एवरेज होने वाला, ज्यादा कुछ खास नहीं है, 202 पे 2 है और 58 पे 10 विकेट है। देख सकते हैं यहाँ का पिच का मिजाज कैसा है। लास्ट T20 की बात करें तो MICT वर्सेस PR 19 जनवरी 2024 को मैच जो हुआ था, सुटेबल फॉर बैलेंस पिच देखिए यहाँ का रहने वाला, प्रेशर एंड स्पिनर बूथ गेट हेल्प दोनों को देखिए सपोर्ट मिलते हैं, क्योंकि लास्ट दो मैच की अगर मैं बात करूंगा इसमें 9 विकेट प्रेशर को, 7 विकेट यहाँ पर स्पिनर को। फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग की अगर बात करें 172 पे 8 है, 173 पे 2 है, 202 पे 2 है और 198 पे 5 है, यहाँ 182 पे 8 है, 130 पे 10 है। लगभग में देखिए बैलेंस पिच बनाकर रहने वाला, कोई ज्यादा अप ना डाउन आपको दिखाई देगा, लगभग में सेम चीजें चलेंगी। अगर मैं बात करूं आगे कि भाई साहब यहाँ पर अगर वेन्यू T20 स्टैटिक्स पता चल जाए तो मजा ही आ जाए। जैसे कि मान लीजिए 48 मैच यहाँ पर टोटल हुआ, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम जो है 25 बार जीता और सेकंड बैटिंग करते हुए टीम यहाँ पर 22 बार जीता है, ठीक है, लगभग में ये भी बैलेंस है, कोई इसमें ज्यादा वो अंतर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न के नजर डाले कितना स्कोर बन जाता है लगभग में, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेलो स्कोर 150 से नीचे जो है ना 21 बार बना हुआ, तो सोच सकते हैं क्या यहाँ का नजारा होने वाला पिच पर। और बिटवीन 150 से 169 जो है कि 14 बार है, 170 से 189 11 बार है और 190 से ऊपर जो है कि 2 बार बना, तो मेरे हिसाब से टोटल ये अगर बात करें थोड़ा मोड़ा कम ही होगा, नहीं तो आधा प्रति ये विराजमान है, ठीक है, तो मतलब 150 से नीचे रन ज्यादातर बन जाता है। तो ये 140 से 160 के बीच का मेरे हिसाब से आंकड़ा है, बाकी आपके हिसाब से क्या हो सकता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपका ज्यादा जवाब आता है कि रन हाई होने वाला है, ज्यादा लोग का कमेंट आता है तो उसके हिसाब से हमारी टीम भी क्रिएट होती है, ठीक है। ये मेरा माइंड है कि 140 से 160 हो सकता, बाकी अपना सुझाव आप जरूर देंगे अपने कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल जाइए, आपका जो है ना हक है वो कमेंट करना, ठीक है, अच्छा बुरा सब कुछ लिखा कीजिए, कम से कम लिखिए तो सही। रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू यहाँ पर बात कर देखिए, तो 19 जनवरी 2024 को मैच हुआ है ना PR वर्सेस MICT के बीच में, देख सकते ये आंकड़े, ठीक है, 8 विकेट फर्स्ट में गिर गए थे, जो कि 2 विकेट सेकंड जो बैटिंग करने आए उनके गिरे थे, इसमें भी 3 पेसर 4 स्पिनर है, बाकी पेसर्स को तो यहाँ 0, बाकी 2 विकेट स्पिनर को यहाँ पर मिले हैं। बाकी एक और मैच हुआ है 24 में ही है, ठीक है, 16 जनवरी को मैच हुआ है, इसमें सैक वर्सेस MICT का, तो इसका भी देखिए हाल इस टाइप का, ठीक है, इसमें 2 विकेट स्टार्टिंग का, 5 विकेट ये है, बाकी 20-20 ओवर दोनों में मतलब जो है ना खेला गया है यहाँ पर, ठीक है, 2 विकेट पेसर 0 स्पिनर 4 और ये 1, मिला जुला के देखिए नेचुरल टाइप का है, बिल्कुल नेचुरल, आपकी टीम भी फ्लैट बिल्कुल बननी चाहिए, कोई ज्यादा एकदम तिकड़मबाजी नहीं करने का। तो आइए दिखाते हैं आपको बिना तिकड़मबाजी का टीम आप कैसे बना सकते हो। उससे पहले जो ये जो है ना दो मैच की जो बॉलर की बात हुई, आखिर किसको लेकर चला जाता है, सबका लगभग में सेम है। अब स्पिनर मैंने बोला तो स्पिनर का मतलब ये नहीं कि चारों स्पिनर को आप लेके जा सकते, जैसे ROB को है तो बिल्कुल यहाँ विकेट नहीं मिला, जैसे लेग ब्रेक का है तो बिल्कुल यहाँ विकेट नहीं मिला, लेफ्ट आर्म चाइना मैन का, ये ऑर्थोडॉक्स का है तो यहाँ पर 2 विकेट मिला, चाइना मैन को यहाँ पर सिर्फ 5 विकेट मिला। चाइना मैन मतलब जो स्पिनर है ना वो अच्छा काम आपको करते दिखाई देगा, तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा। बाकी अगर पेसर्स में बात करें तो 4 विकेट जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम को यहाँ पर मिला हुआ, देख सकते हैं ये
ठीक है, बाकी लोग को दो दो एक विकेट, तो मिला जुला के एवरेज यहाँ भी है, कोई ज्यादा खास नहीं है। मगर ये स्पिनर में लेफ्ट आर्म चाइना मैन और राइट आर्म फास्ट मीडियम को अगर प्रेशर में ट्राई करे तो अच्छा रहेगा। बाकी और भी देखेंगे हम आगे, इसलिए बोला ना कि बने रहे वीडियो में, थोड़ा सा ध्यान से देखिए वीडियो को, बताइएगा स्किप करिएगा नहीं समझ में आएगा, ठीक है, देखेंगे तब जाकर समझ में आएगा, समझ नहीं आया तब नहीं तो बाकी आप ही जाने ऊपर वाला जाने क्या है बेहतर दिमाग में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए लास्ट यहाँ पर तीन मैच जो कि हुआ है, केप टाउन क्या है जीरो बार जीता है भाई साहब, एक बार नहीं, और यहाँ पर दुर्बान जो है कि तीन बार मैच को जीत लिया, ठीक है। ये आज के मैच को जीतेगा कौन, जरा देखें कौन है माँ का लाडला जो कमेंट कर दे, ठीक है, जरूर देखता हूँ इसके बारे में आज का मैच जीतेगा कौन, ठीक है, जरूर कमेंट करिएगा। उसके बाद देखिए जहाँ पर मैं खेलता हूँ ना स्पोर्ट्स बाजी, इस पर अगर अभी आप डाउनलोड करते हैं तो तिकड़म बाजी कर सकते हैं, यहाँ पर चल रहा है भाई साहब 50 रुपये आपको मिल जाएगा प्लस में बोनस के तौर पर, बाकी 2 लाख का यहाँ सॉरी 20 लाख का यहाँ पर मेगा ये जो है ना लीडर बोर्ड चल रहे हैं, बिल्कुल कंपटीशन कम में, तो आपका चांसेस बिल्कुल ज्यादा है कि आप ऊपर रैंक पे आएंगे, है ना। अब कोई नहीं है कि एक पे आएंगे तभी आएंगे, 1, 2, 3, 4, 10, 100 तक जा रहा है इसका रैंक, ठीक है, कहीं भी आप होंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। बाकी ये सवाल जवाब जो हमारे कमाने का तरीका, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट ओवर में कितना रन बनेगा, 7 रन से ज्यादा या 7 रन से कम, इसमें आप जवाब दे सकते हैं, पैसा ऐसे निकल सकता है, ठीक है। 120 ओवर में 178 से ज्यादा या 178 से कम, तो मेरे हिसाब से 178 से कम है ना, तो इसमें आपको पैसा निकल सकता है, ठीक है। तो कैप टाउन अगर पहले बैटिंग करें मान लीजिए तो 178 से कम बिल्कुल होना ही वाला है, ठीक है, यहाँ पर भी आप पैसा निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा पैसा निकालने का तरीका स्पोर्ट्स बाजी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिए और रोज पैसा निकालना स्टार्ट करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी जैसे है ना 500 रुपये अगर आप डालते हैं इसमें, ठीक है, SB 500 करके 500 का डिपोजिट आपको फ्री मिलता है ना, 500 मिल गया आपके अकाउंट में, प्लस में यहाँ पर 2 लाख का मेगा लीग भी जो है कि फ्री आपके लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स बाजी का मस्त फीचर है। बाकी ये ट्रू और फॉल्स जो मैं बोला था ना, ये कैप टाउन विल विन द मैच T20 अगेंस्ट दुर्बान, जीतेगा कि नहीं जीतेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया 12,012 रुपये, ठीक है, यहाँ पर 9,828 मिलेगा। अगर मैंने इस पर लगाया कि फॉल्स है भाई साहब, तो यहाँ पर 9,828 लगाना पड़ेगा, 12,000 रुपये हम यहाँ पर जीतेंगे, तो ऐसे आप पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेस्ट जो है ना कितना लेना चाहते हैं आप, जैसे स्टॉक होता है ना उस टाइप से होता है, तो हम 2184 लिए, तो आप 2,000 लीजिए, 200 लीजिए, 300 जो भी मन आपका उसके हिसाब से ले सकते हैं, ठीक। बाकी प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से प्राइस उतना ही पे छोड़ दिया कीजिए इतना पर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए फैंटेसी की दुनिया का भी जो है ना जो अपना स्मॉल लीग होता है उसमें बहुत अच्छा कंपटीशन है, मतलब है ना कमीशन जो बहुत अच्छा है, यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल कम है क्योंकि यहाँ पर उतने धुरंधर लोग नहीं है, है ना, तो मजा ही मजा। अगर आप स्पोर्ट्स ये सॉरी छोटा लीग खेलते हैं, ठीक है, मिनी लीग तो बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर अच्छा खासा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी ये माइक कैप्टन के बारे में अगर बात करें तो ये इनका प्लेइंग 11 है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आरवन डूशन इनकी बात करें तो देखिए 42 है, 22 है और 39 है, बाकी ये 0 पे चले गए थे पिछला बार, खाता भी नहीं खुला था, तो होता है कुछ बहुत महान महान बल्लेबाज जैसे हमारे विराट कोहली कई बार 0 पे गए हैं, तो होते हैं ऐसे, मगर है तो महान भाई, कहीं से कोई दाग नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ना तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, है ना, तो लेके चलने के लिए है अपने को डूशन को, ठीक है। रियान की बात करें, रियान अपने भाई 52 मैच खेले, 101 रन मारे हैं भाई साहब, देख सकते हैं यहाँ पे हेड टू हेड में, ठीक है, और एवरेज कितना 50 से प्लस का ही है, बाकी वेन्यू पर मतलब इस जगह पे मतलब स्टेडियम पे खेला हुआ, तो भाई 10 मैच खेले हैं, 275 है, 27 का एवरेज इनके पास है, तो रियान भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। बाकी ये भी पिछला मैच गए थे, मगर फिर भी इस मैच में दोनों का रिटर्न वापसी है, इतना जान लीजिए आप, दोनों कुछ ना कुछ ठोक करके जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है डेवेल्ड, इनकी बात करते हैं, इनको आप ड्रॉप किया जा सकता है, इनको 3 मैच में जगह मिला, 3 मैच में 6 रन का एवरेज है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए सकते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस कितना खराब चला, उन दोनों से तो बिल्कुल खराब, उन दोनों को तो एक बार ही सिर्फ दिखाई दे रहा है, बाकी सब अच्छा चला, इनका तो पूरा का पूरा ग्रहण नहीं लगा हुआ है, तो इनको आप ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है। लैम लिविंगस्टन इनकी बात करें तो ये एक कह सकते हैं ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, अगर बॉलिंग भी ले तो 6 मैचों में 1 विकेट लिए भी है, 120 रन ठोकाई हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर लैम लिविंगस्टन को भी ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 मैच में यहाँ पर 25 रन और 1 विकेट साथ में है, तो भाई 25 रन और 1 विकेट मिल गया तो भाई साहब T20 में बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है, आराम से 50-60 पॉइंट का काम आपका हो गया, यही चाहिए अपने को, ठीक है। लाइम लिविंगस्टन को यहाँ पर हम ट्राई कर लेंगे। सैम करन को मेरे को सच प्रिय लेके जाने का मन नहीं करता, पता ना क्यों, इसलिए हम लेके जाएंगे अभी, है ना, 2 मैचों में 6 रन, तो रन से तो मतलब बातें मत करिए, बाकी विकेट से तो फिर यही देख सकते हैं, 8 मैच में 4 विकेट है, विकेट मिल सकता है, मगर अब मेरे को रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, मेरे को अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर प्लाट की बात करें, प्लाट भी वही 0 0 का आंकड़ा चल रहा है, बाकी प्लाट 1 मैच में 31 रन मारे थे और 10 मैच में 281 रन है, 14 विकेट भी साथ में है, तो प्लाट एक अच्छा राइट आर्म मीडियम है,
ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है ना, बैटिंग का भी अपने पास काम हो जाए प्लाट को लेने का, प्लस में बॉलिंग से कुछ मिल गया, हालांकि राइट हैंड मीडियम में मुश्किल है, मगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इस जगह पे देखिए 10 मैचों में जो पिछला हुआ है ना उसमें 14 विकेट इनको मिला है, तो मिलने का चांसेस है कि नहीं है, है ना, है चांसेस, ठीक है। तो प्लाट को ट्राई करें, क्योंकि 2 मैच से 0-0 बिल्कुल जा रहा बंदा, हालांकि प्लाट अमूमन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। अब कोनूर की बात करें तो ये है भाई साहब 38 एवरेज है, यहाँ पर 17 है हेड टू हेड में और वेन्यू पे 28 है, ठीक है, 32, 17, 11, 17 नहीं है। कोनूर को तो मतलब कुछ रन के लिए अगर चाहिए तो मारा जा सकता है ट्राई, बाकी उतना कुछ परफॉर्मेंस ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है मेरे को, ठीक है। और ये लिंडे की बात करें, लिंडे में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स को 25 से 25 विकेट ऑलरेडी मिला हुआ है, पहले का जो मैच हुए है मान लीजिए उसमें खेले, बाकी 2 मैच हेड टू हेड खेले तो 38 है, 1 विकेट है, बाकी यहाँ पर इस साउथ अफ्रीका T20 में खेलने आए जैसे कि 4 मैच खेले हैं, 0 रन है और 3 विकेट इनके पास है, तो विकेट के नाम पर लिया जा सकता है, बाकी रन में तो उनको मिल नहीं रहा है कुछ जब से ये खेलने आए हैं दिस सीजन, है ना, इस सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सीजन का है, सबका इस सीजन का है, ठीक है ना। लिंडे को भी ट्राई करना, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स छोड़ते हैं, बाकी टॉस के बाद समझेंगे ना टेलीग्राम पे, टेंशन क्यों है, जरूर ज्वाइन करिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, ठीक है। कैगिसो रबाड़ा राइट आर्म फास्ट, 5 में 4 इस सीजन की है और 2 में 5 इस हेड टू हेड में हुआ है, बाकी 14 में 15 विकेट है, 7.98 का इकोनॉमी, तो इकोनॉमी लगभग ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं बोल सकते मैं, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, 0-1, 0-1, 0 रबाड़ा हो गया, कबाड़ा ये एक ही दिन लेता है विकेट, जम के लेगा भाई 14 में 15 है ना, ये एक ही दिन लेगा, दबा के लेगा, नहीं तो ऐसे फिर 0 भी जा सकता है ना, जैसे यहाँ पर 0, मगर आज 1-2 विकेट आपको मिलते दिखाई दे सकते हैं रबाड़ा की तरफ से। थॉमस की बात हो रही है, तो भाई लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, 1 मैच खेल के 3 विकेट, यही है लेफ्ट आर्म चाइना मैन जिसको 5 विकेट यहाँ पे मिला स्पिनर के मामले में, ठीक है, तो थॉमस को ट्राई मारा जा सकता है, हालांकि हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट ही, 15 का इकोनॉमी बहुत खतरनाक धुनाई किया है सब, मैं इस वेन्यू पे धुनाई इनका बहुत कम हुआ है, 5 का इकोनॉमी से हुआ, ठीक है, 3 में 4 विकेट भी है, तो वेन्यू पे लेफ्ट आर्म चाइना मैन को थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, एक तो यही चाइना मैन है शायद अपने इस अपने टीम में, तो ट्राई तो बनता है एक बार को, ठीक है, चाहे आर चाहे पारे सही साले को। उसके बाद नवन की बात करें तो देखिए नवन यहाँ पर राइट आर्म मीडियम फास्ट है और इसके बाद 1 मैच खेले, 2 विकेट इनके पास है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 2-0, 2-4, 4 बड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा खतरनाक दिख रहा है, मगर अभी क्या है डेब्यू है भाई साहब, देख सकते हैं 1 में 2 विकेट लिए है पहला मैच में, दूसरा हो रहा है, तो एक बार सोच समझ के ट्राई मारा जाए क्या, देखते हैं जीएल में ट्राई मारते हैं, ठीक है, क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस तो ठीक दिख रहा है बंदे का, भले कोई भी लीग खेल के आते हो मैं परफॉर्मेंस ठीक दिख रहा है, ठीक है, 1 मैच में 2 विकेट लिया, अभी स्टार्टिंग ही डेब्यू करते हैं अपना साउथ अफ्रीका T20 में, तो ट्राई मारा जा सकता है। उसके बाद बेंच के प्लेयर ये, हालांकि बेंच प्लेयर में उतना कुछ होने वाला नहीं है, यही लोग खेलने वाले जो मैं बताया आपको, और कुछ अगर चेंजिंग है तो मान लीजिए ये चेंजिंग है ना, तो यहाँ पर थॉमस बेंटोन चलिए हटाइए, नहीं आने वाला है, स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर है ना, देख सकते हैं ये 4 जो है स्टार्ट करेंगे, ये 4 जो है कि एंड करने वाले हैं, सही है यार, नवन तुषारा है ना, सही है, यहाँ पर ट्राई कर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेयर बैटल देख सकते हैं, यहाँ पर रियान, अरे भाई साहब ऊपर और भाई काहे भाग रहे हो, ये प्लेयर बैटल है भाई साहब, किसको कौन आउट करता है यहाँ पर, इस चीज के बारे में आपको पता लगेगा देख करके, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं देखिए थोड़ा सा फास्ट हूँ, क्यों फास्ट हूँ, क्योंकि भाई साहब बिहार में है, इतना तकलीफ है वीडियो अपलोड करने का ना, मत पूछिए, तकलीफ हम ही जानते हैं, छत पे 11-12, 3 बजे रात चला अपलोड करते करते शीत में घूमते रहे, क्या कर सकता है, इतना घटिया नेटवर्क है, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दीबाजी में चलते हैं, कल से और थोड़ा सा स्पीड से आपको देंगे प्रोडक्शन, बस आप डाटा को देखिए और कुछ नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट रखिए, ठीक है, मेरा मकसद ये है वीडियो लाने का, लोग मतलब ये ना रह जाए कि यार दिक्कत हो रहा है, जैसे नहीं होता किताब बिना बच्चा पढ़ नहीं पाए, नहीं व्यवस्था है अपने पास, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होगा, होगा, ठीक है, तो वो चीजें है बस, बाकी कुछ दिन में सही हो जाएगा, यार फाइबर वाला से बात हुआ, बोला 10 दिन के अंदर भैया लगा देंगे, तो वो फिर लग जाएगा, फिर झमाझम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं सुपर जायंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इनका देखिए डाटा इनमें क्या है, मैथ्यू की बात करें तो भाई 2 मैच खेल के 87 है, नवाज रहे होंगे इसमें, बाकी 5 मैच में 163 रन है इस सीजन का, और वेन्यू पे 1 मैच खेल के 64 है, तो इस वेन्यू पे बड़ा अच्छा मतलब जो है ना इनका परफॉर्मेंस रहा है, बाकी रिसेंट परफॉर्मेंस भी तो बहुत अच्छा है ना, भले ज्यादा नहीं है मगर फिर भी बहुत अच्छा है, और अगर 0 से बेहतर है, ठीक है,
ट्राई मारा जा सकता है। क्विंटन डीकॉक, डीकॉक का लगता है जो है ना करियर खत्म हो गया, इनको इनको मतलब रिटायरमेंट देना चाहिए। फालतू बीबीएल में तो कभी इन्होंने ट्राई कर रहे हैं बिना मतलब का मेरे हिसाब से, बाकी तो इनका अपना चीज है, अपना फैसला कैसे क्या करते हैं, मेरे हिसाब से रिटायरमेंट होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जानते क्या होता है, एक टाइम होता है ना जब आप बहुत अच्छा पिक पे होते हैं, उसके बाद जब आपका परफॉर्मेंस डाउन होता है, एक थोड़ा बहुत वो टाइप का होता है यार, मतलब जब नहीं चल पा रहे हैं टिक पा रहे छोड़ा था जाने दे, ठीक है इस टाइप से, बाकी इनकी मर्जी है। हाँ, 5 मैच में देखिए 62 रन है, तो क्या है, कुछ है नहीं। क्विंटन डीकॉक जो कि बहुत बड़े नामी प्लेयर है, जाने जाते हैं क्या, देखा हूं मैं, मगर अब क्या करूं, मेरे ही मुंह से निकलना पड़ रही है चीज के लेने के लायक नहीं है अभी, छोड़ सकते हैं क्विंटन डीकॉक को, क्या कर सकते हैं। मगर इतना ध्यान दीजिएगा, अगर लेते हैं मल्टीपल टीम पर आते लेते हैं तो सीबीसी एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि है देखिए बड़ी खतरनाक प्लेयर, मारेगा तो दम भर मारेगा ना, है ना, 200 पार भी रन जाएगी अगर मारा तब बनना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, है ना, वही आपको 140 से 160 दिखाई देने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जे जे स्मूथ, स्मूथ की बात करें तो 2 मैच में 12 रन मारे, इनका भी कहानी जो है ना चटपटा टाइप का है पतला, ठीक है। 13 मैच है 149 है, 10 विकेट साथ में है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। 4 मैच में 3 विकेट है, 117 रन, तो कुछ लगभग ठीक ठाक है, मगर चटपटा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए 9 में 0 है, 27 है, 6 में 1 है, 75 में 2 है, 94 पे 2 है, तो ये चटपटा मसाला वाला काम है, ये कभी चले कभी नहीं चले ये वाला सिस्टम है, तो ये ऐसे लोगों को बिल्कुल जीएल में ट्राई कर लिया, नहीं तो अगर नहीं किए जानबूझ के अगर छोड़ दिए करके, जब 94 पे 2 मारेगा ना फिर से ना बोला सर कहाँ से पैदा हो गया रे, ठीक है। ऐसे लोग को चटपटा लोग को थोड़ा सा सीबीसी का भी ट्राई देखा कीजिए, देख करके ट्राई दिया है ना, दिया कीजिए एक बार को, अगर चला तो बड़ा बड़ा जबरदस्त आपका टीम जो है ना रैंक पुश होगा, अगर सीबीसी भी दे दिए तब, नहीं तो ऐसे तो टीम में लेके चल सकते, ठीक है। हेनिक क्लासेन, क्लासेन भाई साहब 3 मैच में 40 के एवरेज रखे हैं, मेंटेन करके थोड़ा सा, बाकी 31-1, 64-13 नाबाद है, 85 है, तो क्लासेन देखिए बीच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं ना, मिडिल ओवर जो होता है ना उसमें बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस इनका है, इसलिए यहाँ पर इनको रखा जाता है, कभी कभार फ्लॉप भी हो जाते हैं ऐसा बात नहीं है, मगर परफॉर्मेंस ठीक है तो अपने साथ भी टीम में होना चाहिए। हेनिक क्लासेन, मार्कस स्टोइनिस, अब इनके देखिए इनका हिसाब किताब यह है कि मार्कस स्टोइनिस 2 मैच खेले, 14 रन, 3 विकेट साथ में, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, रिसेंट परफॉर्मेंस में 1 पे 2 है ना, 13 पे 1 है, 48 पे 0 है, 2 पे 0 और 34 पे 9 है। देखिए अभी बीबीएल जो चल रहा था उसमें देखे होंगे मार्कस स्टोइनिस का क्या कहानी था, आधा मैच में तो बिल्कुल चले ही नहीं, कुछ मैच में चले उसके बाद फिर फ्लॉप, तो मार्कस स्टोइनिस पर उतना भरोसा हम लोग नहीं कर सकते, राइट मीडियम है, ठीक है, तो हम छोड़ सकते हैं मार्कस स्टोइनिस को, बाकी रन के मामले में लिया जा सकता है क्योंकि इस वेन्यू पे अब क्या होगा इनको कोई पता नहीं है, खेले ही नहीं है, इसमें क्या होगा कोई पता नहीं, खेले नहीं है, तो एक बार देखते हैं जैसा टॉस के बाद समझ में आता है, ठीक है। टीम में अगर रखे हम तो रख लीजिएगा, नहीं तो फिर अपना हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैन मोल्डर की बात करें, मोल्डर राइट है, मीडियम है, 4 में 2 विकेट है इनके पास, रन भी 34 है, मगर मोल्डर को मत लेके जाइएगा, मोल्डर को छोड़ा जा सकता है क्योंकि 3 मैच में 42 रन है, तो उतना कुछ खास चलना नहीं है, बस कभी कभार होता है हो गया, कभी कभार कोई उतना अच्छा दिन अपना नहीं आने वाला कि भाई साहब जो ये 4 बार में 1 बार 52 मारे तो कल भी 52 मारेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, इसलिए ट्राई मत करिएगा उतना, क्योंकि यहाँ से दिख जाता है क्या चीज होने वाला है, ठीक है, इसलिए उतना वो नहीं है। पीटरसन, यस पिटोरियस की बात करें तो देखिए 3 मैच खेले हैं, 6 रन है, बाकी 3 विकेट इनके नाम में है, 10 मैच में 6 विकेट है, राइट आर्म मीडियम फास्ट है ये, रिसेंट परफॉर्मेंस में 23-6 पे 1, 2, 5 में 5 नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी अपने फर्स्ट प्लेयर में काम भर हो चुके हैं, ठीक है। केशव महाराज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, केशव महाराज का इकोनॉमी तो कम रहेगा थोड़ा सा, है ना, मगर 1-2 विकेट का मेहमान है क्योंकि 7 में 3 विकेट है, सोच सकते हैं कितना धीरे स्लो विकेट मिल रहा है इनको, तो मुश्किल है थोड़ा सा मेरे हिसाब से केशव को रखना मेरे टीम में, है ना, मैं नहीं रखने वाला अपनी टीम में इनको केशव को, क्योंकि बहुत स्लो विकेट है, इतना ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा इंसान को पकड़ो कि भाई चाहे तो 4 चाहे तो 0 ये है जीएल जिताने वाले, बाकी ये लोग जीएल नहीं नहीं जिताएंगे आपको, ये लोग बस आपको मेंटेन करके रखते हैं, चल भैया इतने पर ऐसे नहीं होता है, अपना नौकरी करो तो भाई राज करो, सॉरी अपना नौकरी करो तो बस इतना है मिलेगा कि बस जी खा लेंगे, थोड़ा सा लड़का बच्चा पढ़ लेगा, बाकी बिजनेस जो अपना है उससे इतना आगे जा सकते हैं, खानदान चला सकते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं, ओके। तो इसलिए ऐसा महाराज है भाई साहब, आपको मेंटेन रखेंगे, आपको 49 डूबने नहीं देंगे, ठीक है, मगर वो लोग अगर लिया 49 का 49 लाख बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, इस चीज को देखिएगा। उसके बाद नवीनुल हक, नवीनुल हक भी राइट है, मीडियम फास्ट है, 1 में 0 है, कुछ मिला नहीं है, मगर इस वेन्यू पर मिलने का आसार चलिए छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका भी पैसा जो है ना क्या बोलते हैं उसको
एक सिस्टम 0-0-0 तो क्या लेंगे, हीरो बन के रहा भैया तू, नवीन उल्हा है। ठीक है, टॉपले लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, 2 में 2 है, 9 का इकोनॉमी, 3 में 2, 5 में 8 विकेट है टॉपले के पास। 1-3-3-1-0 और उसके बाद इधर में कौन है, एक भाई साहब नूर अहमद लेफ्ट आर्म चाइना मैन, वेरी गुड भाई, नूर अहमद को ट्राई मारिए क्योंकि ये भी बंदा जो है ना तीन का 4 बार से 0-0 में जा रहा है ना। तो एक इधर से लेफ्ट आर्म चाइना मैन, एक उधर से लेफ्ट आर्म चाइना मैन, अपने को 2 चाइना मैन तो रखना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मल्टीपल अगर बना रहे टीम तो एक को ड्रॉप करिए, एक को रखिएगा, उसके बाद और टीम बना रहे तो उसको ड्रॉप करके इसको रखिएगा, ऐसे करके रोटेट करिएगा बस रोटेट। अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे कुछ होता ही नहीं है। लोग बेवकूफ बना ले, कुछ कर ले, कैसे बोल दे, कहा बोल दे, बात हमको नहीं पता होता है, अपना जो होता है सीधा सीधा बात होता है, मगर इसके आगे कुछ नहीं होता, रोटेशन के अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना, क्या है रोटेशन के अलावा कुछ नहीं है, बस पिच रिपोर्ट वगैरह समझ के उसके हिसाब से रोटेशन देंगे ना भाई। आपको लग रहा है कि भाई साहब 8-10 विकेट तक जा रहा है तो आप बीच के बैट्समैन भी रखेंगे, अब आपको लग रहा है भाई साहब 2-3 विकेट तक जा रहा है तो क्या है बीच के रखेंगे, तो ये चीज है पिच के हिसाब से देख कर समझ के रखना। ठीक है, बाकी वेन्यू पे कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है उस चीज को देख कर, ठीक है, उसके हिसाब से आपको रोटेशन लेना है बस, ताकि और तो कुछ होता ही नहीं। बाकी यहाँ पर बेंच प्लेयर्स को देख लिया, ओके देख लिए, जॉर्जी बड़ी खतरनाक है भाई, स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ठीक है, ले लिए क्या, टोपले मार्कस हक नूर अहमद, ओके, उसके बाद केशो पिटोरियस नाउनुल हक और टोपले, ये अपना स्टार्ट एंड एंड करने वाले हैं। उसके बाद ये देखिए प्लेयर बैटल, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले ले लीजिएगा, ले लिए स्क्रीनशॉट, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये देखिए हमारी टीम इसी जगह टेलीग्राम पे जाएंगे, अगर आप मेहनत कर पा रहे तो बिल्कुल वेरी गुड, करना भी चाहिए अपने से हर काम, मगर नहीं हो पा रहे कुछ आइडिया लेना है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हमारी टीम जाने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी अभी के लिए आप यहाँ पर अभी टीम लीजिए, ये टीम का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मैं हटूंगा यहाँ से तो। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर करिएगा, जो कि हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, हमेशा आप लोग करते हैं, आज भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन होकर के पुराना कर दीजिए। ठीक है, कल से आप पुराने हो जाएंगे हमारे साथ में, ओके चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस स्क्रीन शॉट को ले लीजिएगा। ठीक ना, और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत, हमारी स्क्रीन शॉट हो गया, चलिए भाई थैंक्स।